एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंका रेम का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसका टाइटल है द रेप। इसे स्टेज किया गया था 1975 में। फ्रेंका रेम एक इटालियन थिएटर एक्ट्रेस, प्ले राइट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और इनके हस्बैंड एक बहुत ही फेमस प्ले राइट और नोबल लॉरेट डेरियो फो थे। शी डाइड इन 2013। और जो ये टेक्स्ट है वो बात करता है जो सोसाइटी है कैसे रेप विक्टिम को परसीव करती है उसके बारे में। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस टेक्स्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ रेप विक्टिम्स का। दूसरा है कि जो कॉप्स होता है वो मार्क्स ऑफ रेप को या फिर फिजिकल वॉयलेंस को ही देखता है एज द प्रूफ कि हाँ किसी आदमी के साथ सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है। बात करें लॉज की तो जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं उनको नॉन स्पेसिफिक या फिर जनरलाइज करके देखा जाता है। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ जब रेप विक्टिम्स डिमांड करती हैं जस्टिस तो उनको टेररिज़ किया जाता है बाय पुलिसमैन, डॉक्टर, जजेस। तो बहुत सारे अजीबोगरीब सवालात करके उनको उलझाया जाता है और उनको ये फील कराया जाता है कि यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम। तो ये जो मोनोलॉग है वो भी इसी चीज़ के बारे में है। तो हम डिटेल से देखेंगे कि क्या उन्होंने लिखा है और ये इंसिडेंट कैसे हुआ। 9 मार्च 1973 जब फ्रेंका रेम मिलन में थी उनको पुश किया गया एक वैन के अंदर बाय 5 मैन एंड शी वॉज रेप्ड एंड टॉर्चर्ड। फिर उनको बाद में रेप करके छोड़ दिया गया एक पार्क के अंदर वेर इट वॉज वेरी डार्क। शी समहाउ मैनेज्ड कि वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन तक जाएँ, किसी बिल्डिंग का सहारा रोड पे वो जैसे तैसे वहाँ पे पहुँची। लेकिन सबसे जो डिसगस्टिंग थिंग था दैट वाज कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वो उस चीज़ के लिए सोच रही थी, उनको ये नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है, गलत था सही था, बट शी वाज वरीड कि उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको किस तरीके से देखा जाएगा सोसाइटी में। एंड देन शी डिसाइडेड कि आई विल रिपोर्ट देम टुमारो, कि मैं कल इसका रिपोर्ट करूँगी। बाद में ये भी पता चलता है कि फ्रेंका रेम के खिलाफ जो भी ये पूरा एक प्लान किया गया था पर्पसफुली रेप एंड टॉर्चर ताकि उनको पनिश किया जा सके उनकी पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद वो स्टेज पर फिर आती है और उन्होंने एक 10 मिनट का मोनोलॉग जिसका टाइटल था ले स्टूपियो द रेप, इसको अपने वन वुमेन प्ले के अंदर ऐड किया जो कि था तू ते कैसा ले तो इचिज़ है। आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये एक इटालियन प्ले था तो ये उसका टाइटल था जिसमें इन्होंने अपना मोनोलॉग को ऐड किया था। अब देखते हैं मेन टेक्स्ट को। आर रेडियोज प्लेइंग, आई डोंट नोटिस इट एट फर्स्ट, इट टेक्स अ वाइल टू सिंक इन समवन सिंगिंग, कि एक रेडियो बज रहा था बट मैंने उसे नोटिस नहीं किया। हाँ थोड़ा टाइम लगता है किसी के गाने को महसूस करने में, उसे जानने में, उसे समझने में। येस अ रेडियो पॉप म्यूजिक लव मून जून स्टार्स अबाउ लव, कि हाँ एक रेडियो बज रहा था पॉप म्यूजिक बज रहा था उसमें। I have got someone's knee, just one knee planted in my back as if the person behind me is kneeling on the floor. मैंने फील किया कि किसी का नी मेरी तरफ बढ़ रहा था and the person was behind her. He is holding my hands with his, twisting them tightly back. My left hand especially. I don't know why. I find myself thinking that maybe he is left-handed. वो मेरे हाथों को पीछे से जकड़ रहे थे, उन्होंने मेरे हाथों को मोड़ रखा था मेरे लेफ्ट हैंड को। मैं सोच रही थी शायद वो लेफ्ट हैंडेड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले वो म्यूज़िक की बात कर रही हैं, फिर वो इस चीज़ को नोटिस ना करते हुए कि समवन इज़ ट्विस्टिंग हर लेफ्ट हैंड, शी इज़ फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि शायद सामने वाला लेफ्ट हैंडेड है। सो दिस ऑल इज़ प्रेजेंटिंग द थिंग कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि शी इज़ बींग अब्यूज्ड। तो वो जो एक थॉट है उसको वो चेंज करने की कोशिश कर रही हैं बार बार। I have completely lost my grip on what's happening to me. I'm so terrified that I feel I'm about to lose my mind, my voice, I can't speak. तो उनका helpless state दिखा रखा है। एक बहुत ही descriptive way में ये चीज़ें बताई गई हैं कि how she was feeling and क्या situation था उस time पे। That she was unable to control the man and वो उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे। And she was so much terrified about that कि she cannot move. And she can't even speak about it, कि वो थोड़ा resist ही कर पाएँ तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक statue की तरह बस बैठी थी। Only incredibly slowly do I realize what's going on. Oh God, my head is spinning. How did I end up in this van? Did they push me? Did I climb in myself?
Or did they lift me up and throw me in? I don't know. I can't think for racing of my heart, pounding against my ribs and the pain in my left hand which is becoming unbearable. अब वो थोड़ा सा रियलाइज़ कर रही हैं उस चीज़ को, वो थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ कुछ गलत हो रहा है. शी दिन थिंक अबाउट इट कि कैसे, लाइक हाउ एम आई इन दिस वैन एंड क्या इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी या मैं खुद बैठी थी. लाइक सारी चीज़ें इतना जल्दी में हो गई कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया. हर बॉडी इज़ नॉट रिस्पोंडिंग एंड उनका हार्ट माइंड कोई भी बॉडी ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है. शी नॉट रिस्पोंड टू दैट सिचुएशन. वाई आर दे ट्विस्टिंग माई आर्म सो हार्ड? आई मेक नो अटेम्प्ट टू मूव. आई एम फ्रोजन रिजिड. नाउ द वन बिहाइंड मी हैज़न्ट गॉट हिज नी इन माई बैक एनी मोर. हीज गॉट हिमसेल्फ इन टू अ बेटर पोजिशन. हीज सिटिंग डाउन. हीज गॉट ऑन ही गॉट मी हेल्प फ्रॉम बिहाइंड बिटवीन हिज लेग्स लाइक दे यूज टू डू वेन दे टेक चिल्ड्रंस टॉन्सिल्स आउट. तो पूरा एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता रही हैं कि हाउ दिस मैन वॉज टेकिंग पोजिशन एंड शी कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि हो क्या रहा है. एंड शी वॉज जस्ट सिटिंग लाइक अ स्टैचू एंड शी कैन नॉट मूव बिकॉज शी कैन नॉट थिंक. एंड वैन यू कैन नॉट थिंक तो आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है. यू कैन नॉट रिकोगनाइज द सिचुएशन कि कुछ गलत हो रहा है ठीक हो रहा है. तो शी जस्ट रिलेट दिस पोजिशन ऑफ द मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर और बिहाइंड हर लाइक the children when they are look for the tonsils. That's the image that comes to my mind. Why are they holding me so tightly? I don't move, I don't scream, my voice is gone. I've completely lost my grip on what's happening to me. The radio is playing, not particularly loud. Why music? Why have they turned it down now? Maybe it's because I'm not screaming. So she's very much puzzled about the situation, ki ho kya raha hai, and she cannot move as she already described it and they are holding her very tightly. तो कोई रेडियो प्ले हो रहा था पहले, अब उसको भी बंद कर दिया गया है. तो उसका जो मेन ध्यान है वो उस सिचुएशन पे नहीं है कि उसको कैसे रेजिस्ट करना है, कैसे बचना है, बल्कि शी इज़ एंगेज इन टू सराउंडिंग की चीज़ें कि हाँ म्यूज़िक बज रहा था, इसका पोजिशन ऐसा है. मतलब एक जो एक्सेप्टेंस वाला चीज़ होता है ना कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, क्या हो रहा है, शी कैन नॉट फिगर दैट आउट. In addition to the one holding me, there's another three. चार पांच लोग थे वहाँ पे. I looked at them. There's not much light, not a lot of space either. Maybe that's why they have got me half sitting up. They seem calm, very sure of themselves. What are they doing? They're lighting a cigarette. What's going on? Smoking at a time like this? Why are they holding me like this and smoking? सो शी इज़ अगेन कन्फ्यूज़ कि ये लोग स्मोक क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है. लाइक ऐसा नहीं है, वो बच्ची है, उनको चीज़ें समझ आ रही हैं पर वो समझना नहीं चाह रही हैं उस चीज़ को. बिकॉज उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आपका यू नो एक तरीके से रेप होने वाला है, यू आर बीइंग टॉर्चर्ड और सडनली ये चीज़ें हुई हैं कि आपको रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है. तो दैट इज़ द वेरी एक कह सकते हैं डेंस तरीका टू एक्सप्लेन द सिचुएशन कि हाँ कितना डीप था वो पेन. सम थिंग्स अबाउट टू हैपन, आई सेंस इट. आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड अनदर. इट इज़ नथिंग, आई कैन गेट माई माइंड क्लियर. आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग, ओनली फियर. नाउ वन ऑफ देम कम्स टुवर्ड्स मी, अनदर सिट ऑन माई राइट एंड थर्ड ऑन द लेफ्ट. आई सी द रेड ग्लो ऑफ द सीक्रेट. दे आर ब्रीदिंग हैविली, दे आर हॉरिबली क्लोज. तो पूरा सिचुएशन बता रही हैं कि नाउ दिस मैन आर कमिंग क्लोज टू हर. दे आर स्मोकिंग एंड कमिंग क्लोज टू हर, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था. समथिंग्स अबाउट टू हैपन, आई सेंस इट. द वन हु इज होल्डिंग मी फ्रॉम बिहाइंड टेंसेस ऑल हिज मसल्स. आई कैन फील देम. वेयर ही इज होल्डिंग मी, ही हैज टाइटन्ड हिज ग्रिप, ओनली टेंस्ड हिज मसल्स एज इफ गेटिंग रेडी टू होल्ड मी टाइटर. द फर्स्ट वन हु मूव टुवर्ड्स मी गेट डाउन बिटवीन माई लेग्स. नीलिंग ही फोर्सेज माई लेग्स अपार्ट. तो यहाँ पर पूरा जो डिस्क्रिप्शन होता है एक सेक्शुअल अब्यूज़ का, उस चीज़ को बताया गया दैट हाउ दिस मैन इज टेकिंग द पोजीशन एंड उसको और अनकम्फर्टेबल करे जा रहे थे. इट्स अ प्रिसाइज मूवमेंट एंड द वन बिहाइंड मी सीम्स टू एक्सपेक्ट इट बिकॉज ही इमीडिएटली हुक्स हिज लेग्स ओवर माइन टू कीप देम अपार्ट. आई हैव गॉट ट्राउजर्स ओन, वाई आर द स्प्रेडिंग माई लेग्स विद माई ट्राउजर्स ओन. आई फील वर्स देन इफ आई वॉज नेक्ड. माई माइंड टेकन ऑफ दिस फीलिंग बाई समथिंग विच इट फर्स्ट आई डोंट नो वट इट इज. A burning sensation, slight at first, sharper, finally unbearable, on my left breast, a burning, piercing pain.
कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था एंड देवर यू नो सेपरेटिंग माई लेग्स, और बहुत ज़्यादा मेरे लेग्स को वो स्प्रेड करे जा रहे थे एंड इट वॉज अ वेरी अलग सा फील एंड शी कुड नॉट सेंस इट, बट बहुत अलग सेंसेशन, वो बहुत ही बर्निंग सेंसेशन था उस टाइम पे, द पेन वॉज बर्निंग हर सिगरेट्स अगेंस्ट माई स्वेटर बर्निंग थ्रू ऑन टू माई स्किन. I find myself wondering what you're supposed to do in a situation like this. I'm incapable of doing anything, not even crying or saying anything. I feel as if I'm outside of myself, standing at a window, being forced to watch something horrible. कि ना मैं रो पा रही थी, ना मैं कुछ कर पा रही थी. ऐसा लग रहा था कि मेरी सोल बाहर आकर मुझे ही देख रही हो कि ये क्या हो रहा है. पर जो भी हो रहा है बहुत ही horrible है, बहुत ही भयानक है ये सारी चीज़ें. द वन ऑन माई राइट लाइट्स अ सीक्रेट, टेक्स टू ड्रॉज एंड देन पास देम टू द वन बिटवीन माई लेग्स. वन आफ्टर अनदर द स्मेल ऑफ बर्निंग वूल मस्ट बी इरिटेटिंग देम. दे've गॉट अ रेजर, दे कट टू माई स्वेटर लेंथ वे डाउन द फ्रंट, दे कट माई ब्रा टू, द ब्लेड लीव्स अ रेजर गेज अक्रॉस माई चेस्ट, अ 8-inch गैश अकॉर्डिंग टू अ मेडिकल रिपोर्ट. द वन बिटवीन माई लेग्स, द वन हुज नीलिंग ग्रिप्स माई ब्रेस्ट विद बोथ हैंड्स. दे वर रेपिंग हर एंड फिर क्या होता है जब वो उसके क्लोथ्स को काट रहे थे रेजर से, उससे उनके जो माउथ है उस पर वो रेजर लग जाता है. बट शी सेज इट इन अ वेरी डिफरेंट वे कि उनको रियलाइज ही नहीं हुआ ये चीज़ कि हाँ उनको ये रेजर लग चुका है. बट वो मेडिकल टर्म्स में बताती है कि हाँ मेडिकल रिपोर्ट में ये आया कि 8 inch का मुझे वो पूरा जो घाव था वो हुआ था. तो बहुत ही एक टचिंग सा और डीप सा ही जो मोनोलॉग है वो बताता है कि लाइक शी कुड नॉट बिलीव ये चीज़ें हो रही हैं उसके साथ. एंड कितना एक रहता है ना इमोशनल वो चीज़ है कि जो पेन आपको फील हो रहा है कि आपको ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि कहाँ आपको वो पेन फील करना है. अब पूरा बॉडी जब पेन में है तो आपको वो एक कट तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हाँ खून बह रहा है, कुछ कट गया, ऐसा कुछ नहीं. लाइक वो पूरा नंब हो चुकी थी, शी कैन नॉट मूव. आई फील द कोल्ड ऑफ हिम अगेंस्ट माई बर्न्स, नाउ दे अंडर द जिप ऑफ माई ट्राउजर्स एंड दे पुल ऑल माई क्लोथ्स, ओनली वन शू, ओनली वन ट्राउजर लेग ओनली. द वन होल्डिंग मी फ्रॉम बिहाइंड इज गेटिंग एक्साइटेड, आई फील हिम रबिंग अप अगेंस्ट मी. नाउ द वन बिटवीन माई लेग्स पुशेस हिमसेल्फ इनटू मी. आई वॉन्ट टू बी सिक, आई मस्ट कीप काम काम, मूव बिच, फक मी. तो वो पूरा जो अपना एक्सप्लोइटेशन है उसको बता रही हैं कि हाउ दिस पीपल वर एक्सप्लोइटिंग हर, और उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं है कि उस पर क्या बीत रही है, हाउ शी इज़ फीलिंग, एंड वो बस अब्यूज़ कर रहे हैं उसे एंड दे आर टॉर्चरिंग हर. आई ट्राई टू फिक्स माई माइंड ऑन द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, माई हार्ट इज़ ब्रस्टिंग इन साइड मी. आई डोंट वॉन्ट टू नो वट्स हैपनिंग, आई वॉन्ट टू स्टे इन द कन्फ्यूजन आई मीन, आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, वर्ड्स मीन नथिंग टू मी. Another secret, move bitch, I'm as if turned to stone, now the next one pushes into me, he drives hard inside me that the first one, I feel a deep pain, move bitch, the razor that they used to cut my sweater slashes across my face, I cannot feel whether it's cut me, whether it cut me or not. तो बताती है कि she doesn't want to feel the thing. उनका जो हार्ट है दैट वॉज ब्रस्टिंग इन साइड हर, बट वो कन्फ्यूज़न में रहना चाहती थी, वो कुछ नहीं समझना चाहती थी, ना कोई लैंग्वेज, ना कोई वर्ड, वो कुछ ना समझकर बस इस कन्फ्यूज़न के स्टेट में ही रहकर उस डायलेमा को ही यू नो एक स्टेट ऑफ माइंड बनाना चाहती थी. शी वॉन्ट डायलेमा, उनको कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए था, बिकॉज क्लैरिटी विल ब्रिंग मोर पेन टू हर जब वो रियलाइज़ करती कि हाँ ये सब उनके साथ हुआ है. मूव बिच, फक मी, ब्लड इज़ रनिंग डाउन माई ईयर्स फ्रॉम माई चीक्स. Now it's the third one's turn. It's horrible to feel this animal's getting pleasure inside you. I managed to get out a couple of words. I'm dying. I got a heart condition. They believe me. Don't believe me. They start arguing. Let's get rid of her. No, yes, someone hit someone. The crushed, alighted cigarette onto my neck. Just as to stub it out. And at last, usne kuch bola ki mujhe heart condition hai and main mar rahi hu. उन्होंने विश्वास किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब इससे छुटकारा पाते हैं, इसको कहीं छोड़ देते हैं. एट दैट पॉइंट आई थिंक आई फाइनली फेंटेड. आई फील दैट मूविंग मी, द वन हु वाज होल्डिंग मी फ्रॉम बिहाइंड ड्रेस्ड मी विद प्रिसाइज मूवमेंट्स एंड विद नो एम्बरेसमेंट. ही हैड टू ड्रेस मी, आई एम नो यूज फॉर एनीथिंग, ही इज द ओनली वन हु इज नॉट गॉट एंड ड्रेस्ड.
I mean, who has not had his trousers off when he's edgy and irritated? That does not scream. He's complaining like a spoiled child, but I can feel that he's hungry, he's scared. तो फिर वो realize करती हैं कि उनको उठाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है and उनको कपड़े पहनाए जा रहे थे. तो then she had एक last आदमी को जो कि undressed नहीं हुआ था. He was complaining like a small child कि मुझे तो ऐसा, you know, I was not given a chance to screw her up. तो इस तरीके का जो पूरा environment था वहाँ पे, एक जो condition था, उसको वो बता रही हैं पूरा डिटेल में कि वो लोग क्या बोल रहे थे, हाउ शी वॉज फीलिंग, वट वॉज हर स्टेट ऑफ माइंड एंड एवरी थिंग. ही डजंट नो वट टू डू विद माई टॉर्न स्वेटर. ही टक्स द टू इन इनटू माई ट्राउजर. द विंड स्टॉप्स फॉर जस्ट लॉन्ग इनफ टू लेट मी गेट आउट. देन इट ड्रॉज ऑफ. आई एम स्टैंडिंग इन अ रोड विद माई राइट हैंड. आई होल्ड माई जैकेट शट ओवर माई बेयर ब्रेस्ट. आई एम इट्स ऑलमोस्ट डार्क. वेयर एम आई? ट्री ग्रास. आई एम इन द पार्क. तो एट लास्ट वो क्या करते हैं, दे थ्रो हर आउट ऑफ द वैन एंड शी वॉज लेफ्ट आउट इन अ पार्क एट नाइट एंड इट वॉज वेरी मच डार्क आउटसाइड. आई फील सिक इन द सेंस दैट आई एम अबाउट टू फेंट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल पेन इन माई बॉडी बट ऑल्सो आउट ऑफ डिस्गस्ट, बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिएशन, बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट समबडी स्पिट इन टू माई ब्रेन अ मिलियन टाइम्स एंड बिकॉज ऑफ द स्पर्म दैट आई फील स्पाइलिंग आउट ऑफ मी. I rest my head against a tree, even my hair hurts. Oh yes, they were pulling my hair to stop me moving my head. तो वहाँ पर वो जो पूरा अपना एक एक्सप्लोटेशन था उसके एक एक पल को याद करती है कि कैसे उनके साथ टॉर्चर किया गया एंड किस तरीके का वो सिचुएशन था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, बस उन्हें समझ आ रहा था तो ये कि हाँ उन्हें दर्द हो रहा है, उनकी जो पूरा सोल है वो रो रही थी. तो जो पूरा ह्यूमिलिएशन है उसका वो रियलाइजेशन कर रही हैं पार्क में बैठे हुए. आई रन माई हैंड ओवर माई फेस. इट कम्स अवे कवर्ड विद ब्लड. आई टर्नड अप माई जैकेट कॉलर. आई वॉक. आई वॉन्डर एमलेसली ऑलमोस्ट विदाउट नोटिसिंग इट. आई फाइंड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस स्टेशन. आई लीन अगेंस्ट द साइड ऑफ अपोजिट बिल्डिंग. आई स्टेयर अक्रॉस इट फॉर अ गुड वाइल. आई थिंक ऑफ वट आई कुड हैव टू फेस इफ आई वेंट इन. आई कैन हियर द क्वेश्चंस. चलते चलते एक पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई हैं बट वो अंदर नहीं जा रही. वो सोच रही हैं कि अगर वो अंदर गई तो उन्हें किस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रेप विक्टिम्स हैं जो उनसे क्वेश्चन ऐसे से पूछे जाते हैं और उनसे इतना यू नो काउंटर क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके का होता है कि आप उनको टेररइज कर रहे हैं, आप उनको डरा दे रहे हैं उनकी सिचुएशन से ही कि जो उनके साथ हुआ क्या वो वर्दी है जीने की, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो रेज कर देते हैं. तो जो पूरा एक सिस्टम चलता है, ये जो रेप कल्चर चल रहा है उसके ख़िलाफ़ वो बताती हैं कि मेरे माइंड में सिर्फ यही बात थी कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे से, लोग मुझे कैसे देखेंगे, हाउ शील बी परसीव्ड इन द सोसाइटी वॉज हर मेन कंसर्न. आई कैन सी द बेयर फेसेस. आई कैन सी दैम लाफिंग. आई थिंक फॉर अ मोमेंट और टू देन आई डिसाइड आई एम गोइंग होम. आई विल रिपोर्ट इट टुमारो. मैं देख पा रही थी कि वो कैसे मेरी तरफ फंसेंगे, उनके क्या क्या क्वेश्चन होंगे. फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी तो घर जा रही हूँ, आई विल रिपोर्ट इट टुमारो. वो कल कब आएगा मुझे पता नहीं. कुछ इस तरीके की एंडिंग होती है इस मोनोलॉग की एंड बहुत ही डीप, एक पेनफुल सा इमोशनल सा एक नोट है कि हाउ शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स, लेकिन स्टिल शी कैन नॉट आस्क फॉर दिस एक प्रॉपर सा कि हाँ मुझे जस्टिस चाहिए, थिंकिंग कि सोसाइटी क्या सोचेगी उस बारे में. और सोसाइटी को भी छोड़िए कि जो लॉ सिस्टम है हमारा, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी के, वो उस चीज़ को कैसे प्रसीव करते हैं कि आपने वो इंस्टीट्यूशन बनाए किस लिए हैं, टू गिव पीपल देयर राइट्स या फिर उनको जस्टिस इंश्योर करने के लिए, लेकिन लोग उनसे ही डर रहे हैं. तो वो पूरा जो एक सिस्टम है उसको बताया गया है और उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस रेज करते हैं, किस तरीके से वो टेररइज कर देते हैं रेप विक्टिम्स को. तो उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से बताती है. जो फ्रेंक का नेम है वो बोलती है कि ये जो उनका फाइट था वो पूरा रेप कल्चर के लिए है, ना कि कोई पॉलिटिकल वर्क है ये कि हाँ हमेशा हमें उस चीज़ को ऐसे देखना है, बल्कि वो पूरे रेप कल्चर के लिए लड़ती हैं. एंड शी ऑल्सो एडेड दैट कि उनका कोई स्पेशल केस नहीं था, बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं एंड दिस क्राइम्स आर आउट ऑफ हेट्रेड,
कि आप बदला लेने के लिए किसी के साथ ये सब कर रहे हैं। तो वो जो वुमेन को तो बेसिकली यही थ्रेट दिया जाता है कि ओके विल रेप यू अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगी तो, और वो सारी चीज़ें। तो वो रेप कल्चर वाले जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक आइडियोलॉजी चल रही है, उसको वो हटाने की कोशिश करती है। एंड थ्रू आउट हर लाइफ टाइम शी वर्कड फॉर इट। तो ये था इस टेक्स्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।